ओटीटी मंचों पर प्रसारित अभद्र सामग्री के खिलाफ केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और गाली गलौज की शिकायत पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रचनात्मकता के नाम पर अश्लीलता और अभद्र भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं है। जब सरकार के लेवल पे आता है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के ऊपर तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई जो भी नियम के अनुसार वो करने का हम लोग करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं शिकायतें पिछले कुछ समय में बढ़नी शुरू हुई और डिपार्टमेंट इसको बड़ा गंभीरता के साथ ले रहा है। हम इसके ऊपर कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा तो बड़ी गंभीरता के साथ सोचेंगे, क्योंकि आज़ादी दी थी क्रिएटिविटी के लिए, गाली गलौज के लिए, अश्लीलता के लिए नहीं। और जब एक सीमा को कोई पार करेगा तो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज, असभ्यता, ये स्वीकार नहीं हो सकता। ये बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 19 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। गौरतलब है कि इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई तरह की वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म देखने को मिल रही हैं, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही है। इसी को लेकर सरकार के पास कई तरह की शिकायतें पहुँच रही है।